हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। इफ लाइक और कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चन फ्रॉम एलपीपी फ्रॉम गेट 2021। सो गेट 2021 में एलपीपी का एक क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पी, मिनिमाइजेशन ऑफ 2x1 माइनस ऑफ 5x2। सब्जेक्ट 2 हमें तीन कंस्ट्रेंट दी हुए, 2x1 प्लस 3x2 प्लस s1 इक्वल्स टू 12 माइनस x1 प्लस x2 प्लस s2 इक्वल्स टू 1 एंड माइनस ऑफ x1 प्लस 2x2 प्लस 7s3 इक्वल्स टू 3। देन x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, s1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड s2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड s3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देन हमें यहां से सॉल्यूशन दिया हुआ है, x1 2 s1 s2 एंड s3 इज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ पी। देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x1 प्लस s1 प्लस s2 प्लस s3 की। सो यहां से इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास यहां से हमारा मेथड रहेगा, यहां से हमें टोटल वेरिएबल्स कितने गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। टोटल वेरिएबल्स वेरिएबल्स हमें गिवन है x1 x2 और s1 s2 s3, टोटल हमें पांच वेरिएबल गिवन है, इक्वल्स टू 5 है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ से कंस्ट्रेंट कितने हैं, कंस्ट्रेंट है हमारे पास यहाँ से एक कंस्ट्रेंट ये, दूसरा कंस्ट्रेंट ये, तीसरा कंस्ट्रेंट ये, टोटल तीन कंस्ट्रेंट है। सो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ जीरो सॉल्यूशन देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सो यहाँ से अगर वेरिएबल्स को हम एन काउंट करें और कंस्ट्रेंट्स को हम एन काउंट करें, सो नंबर ऑफ जीरो आएंगे हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन में, एन माइनस एम विच इज इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। सो टू सॉल्यूशन तो हमारे पास जीरो आने चाहिए। एज पर दिस क्वेश्चन हमें गिवन है x2 की वैल्यू, तो हमारे पास 2 आ गई, x2 की वैल्यू फिक्स हो गई हमारे पास 2, तो x2 तो हमारे पास 0 आ नहीं सकता। अब x2 अगर 0 नहीं आएगा तो हमारे पास बाकी चार वेरिएबल्स बचे जो 0 आ सकते हैं। सो यहाँ से हम कंडीशन लेके चलते हैं, यहाँ से हमारे मिनिमम के जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें x1 गिवन है, तो उस वजह से हम पहली कंडीशन लेके चलेंगे कि x1 को 0 नहीं लेंगे। हम कंडीशन यहाँ से ले सकते हैं, या तो s1 s2 और s3 हमारा फर्स्ट वे ये होना चाहिए। अब इनमें से हमें 2 को 0 करना है, सो फर्स्ट कंडीशन हम लेके चलते हैं, लाइक हमारा s1 एंड s2 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट कंडीशन हम ये मान के चलते हैं s1 इक्वल्स टू s2 इक्वल्स टू 0। अगर हम ये 0 लेंगे तो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट यहाँ से क्या कहता है, पहला कंस्ट्रेंट हमारे पास जो यहाँ से है वो हमें कहता है यहाँ से s1 की वैल्यू अगर 0 लेंगे और x2 की हमारे पास 2 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x1 प्लस 6 इक्वल्स टू 12 आ गया। यहाँ से 2x1 इक्वल्स टू हमारे पास 6 माइनस 12 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 6, इंप्लाइज x1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब अगर x1 की वैल्यू 3 आती है तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में और रखेंगे, ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख ली है। अब अगर सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ से क्या कहती है, यहाँ से इक्वेशन हमारी बन जाएगी माइनस ऑफ x1, सो माइनस 3 आ जाएगा और प्लस 2 आएगा, वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस 1 आ जाएगी क्योंकि s2 की वैल्यू तो हमने 0 लेनी है। अब माइनस 1 हमारे पास प्लस 1 के इक्वल आता है, नहीं कंडीशन फुलफिल नहीं होनी। सो सीधी सी बात है हमारा ये कंडीशन गलत होगी जो हमने यहाँ से ली है कि s1 इक्वल्स टू s2 इक्वल्स टू 0, तो ये तो हो नहीं सकता, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं है। अब सेकंड कंडीशन हम लेके चलते हैं, अब यहाँ से हम इसको s2 और s3 को 0 लेके चलते हैं। इन केस अगर हम यहाँ से s2 और s3 को 0 लेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रेंट बन जाएंगे, यहाँ से सेकेंड कंडीशन रहेगी s2 इक्वल्स टू s3 इक्वल्स टू 0, ये हम यहाँ से 0 लेके चल रहे हैं। अगर ये हमारे पास 0 है तो अब अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसकी कंस्ट्रेंट्स पे जाएं तो s2 और s3 हमारे पास 0 है, s2 और s3 0 है, तो सेकंड कंस्ट्रेंट से स्टार्ट करें, सेकंड इक्वेशन हमें क्या कहती है यहाँ से माइनस x1, x2 की जगह तो हमारे पास 2 आएगा, s2 की जगह 0 आ जाएगा, सो माइनस ऑफ x1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ रहा है यहाँ से x2 की वैल्यू, सो 1 माइनस 2 हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू माइनस 1 आ रही है, सो x1 इक्वल्स टू प्लस 1 आ गई, x1 की वैल्यू आ गई प्लस 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ से वैल्यू फुलफिल करें सेकंड कंडीशन में, देखें सेकेंड इक्वेशन में अगर वैल्यू रख के देख लेते हैं तो हमारे पास s3 की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो कंडीशन देख लेते हैं, माइनस ऑफ x1 सो माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, प्लस ऑफ x2 की वैल्यू 2 है सो प्लस ऑफ 4, ओवरऑल वैल्यू 3 आ रही है, कंडीशन ये भी हमारे पास यहाँ से जो थर्ड इक्वेशन है वो भी फुलफिल होगी। सेकेंड में हमने वैल्यू रखी थी, फर्स्ट में अगर और रख के देखेंगे तो हमारे पास s1 की वैल्यू और आ जाएगी, सो यहाँ से x1 की वैल्यू 1 आई है, x2 की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, इसी तरह हमने x3 की वैल्यू s1 की वैल्यू और निकाल लेते हैं, सो 2x1 प्लस 3x2, तो हमारी कंडीशन है 2x1 प्लस 3x2। सो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारे, अगर हम यहाँ से इसमें वैल्यू रखेंगे 2x1 है हमारे पास प्लस 3x2 है और प्लस ऑफ s1 इक्वल्स टू हमारे पास 12 आ रहा है, सो x1 की वैल्यू हमारे पास हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, x1 की वैल्यू हमारे पास आई क्या है, ये
एक्स वन इक्वल्स टू बनाए हमारे पास यहाँ से प्लस का वन, एक्स वन की वैल्यू वन आ गई तो टू आ जाएगी, एक्स टू की वैल्यू टू क्वेश्चन में दी हुई तो टू इंटू थ्री सिक्स आ गया, प्लस एस वन इक्वल्स टू हमारे पास 12 आ रहा है। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एस वन बराबर क्या आ जाएगा, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सो अगर अब हम यहाँ से देखें, हमने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एस वन एस टू सारे निकाल लिए, एक्स वन की वैल्यू तो आई हमारे पास 1, एक्स टू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 2, एस वन की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सिमिलरली एस टू और एस थ्री हम 0 लेके चले। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वन प्लस एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री की वैल्यू। तो एस टू और एस थ्री तो हमने 0 लिए हैं, एक्स वन और एस वन जोड़ देते हैं 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 5। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ रहा है हमारे पास 5। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 5, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।